हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक और नई जानकारी है। हम आपको डोरमेट बताने वाले हैं जिसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, डोरमेट की जगह या टेबल मैट की जगह। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बनके कंप्लीट हो रहा है और बिल्कुल ही नई जानकारी डोरमेट है। इसे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे और देखिए ये देखने में जितना कठिन है उतना ही बनाने में आसान है। तो मैं आपको ये फर्स्ट रो से ही बनाना बताऊँगी कैसे हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे 5 कली हम बना के कंप्लीट कर लिए हैं और आगे की कली आपको बनाना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना फंदा डाला है और फंदे डाल के हम यहाँ से इसको बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में भी तो बिल्कुल ही ईजी है। तो ये मैं आपको शुरू से ही बताऊँगी किस तरह से बनाना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ प्यारा सा ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो देखिए आप इसे अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 25 फंदों से बता रही हूँ, इसको आपने इसी तरीके से फंदे डालने हैं, 2 के मल्टीपल से नहीं डालने हैं। वैसे ही आपने, जैसे मैंने यहाँ पे 25 डाले हैं तो आप यहाँ पे इसको 27 फंदे का बना सकती हैं। इस तरह से आपने फंदे लेने हैं तो आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आपको बनाना बताएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंदे डाल के और अपना डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे, सोचिए आप, मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने उसी तरह से डाले हैं जैसे मैं हमेशा हर डोरमेट में आपको बनाना डालना बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे डाले हैं और फर्स्ट रो से ही मैं आपको यहाँ से डिजाइन बनाना बताऊँगी। तो बिल्कुल ही ईजी है, वैसे ही यहाँ पर फंदे ले लिए हैं और डिजाइन शुरू कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने डिजाइन बनाना शुरू करना है। इससे पहले हम इसकी यहाँ पे एक सिलाई बना लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, उसके बाद हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस कलर को लगा देते हैं। वैसे ही हर कली में मैंने कलर को लगाया हुआ है। और चाहे तो आप इन धागों को साथ साथ ले जा सकते हैं और चाहे आप इन्हें 2-4 फंदों में दबाते हुए कट कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम इन्हें, आगे वाली पत्ती हम इन्हीं से फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और सभी फंदों को इसी के साथ बंद कर लिया है। तो आइए यहाँ पे ये वाली सिलाई हम बना लेते हैं पूरी। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई बना ली है और देखिए मैं आपको बता दूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कलर लिए हुए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी यहाँ पे कलर ले सकते हैं और जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे 4 कलर ले लिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और चारों कलर की वूल को फोल्ड किया हुआ है। तो इसी से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हमने, जब यहाँ से हमने, आपको मैं बता दूँ, यहाँ से मैंने फंदे डाले थे तो मैंने डिजाइन शुरू कर दिया, पर यहाँ पे ये देखिए बीच बीच में मैंने ये सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे दो सिलाइयाँ हमारी ये येलो की आ रही है फंदे छोड़ने के बाद, फिर हमने ये वाली सिलाई लगाई है। तो वैसे ही यहाँ पे लगा ली है और यहाँ पे डिजाइन फर्स्ट रो से ही शुरू कर दिया है। तो डिजाइन जैसे मैं आपको बताऊँगी वैसे ही हमने बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं और अब यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए कैसे, एक, दो, इसको अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, 3 फंदे बनाए, एक फंदा स्लिप किया बगैर बुना और आगे फिर हमने 3 फंदे फिर से बनाए, 1, 2 और ये 3, फिर एक फंदा बगैर बुना उतार लिया, फिर 1, 2, 3, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर 1, 2, 3, ऐसे ही फर्स्ट रो से डिजाइन को बनाया है फंदे डालने के बाद। तो देखिए फिर फंदे को स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, फिर आगे वाला फंदा स्लिप किया, 1, 2 और ये 3। तो देखिए एक फंदा स्लिप किया है, 3 फंदे बनाए हैं और 2 फंदे, लास्ट के 2 फंदे हम बिगर बुने छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 फंदे लास्ट के छोड़ दिए हैं।
अब सीधी सिलाई कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। तीन फंदों को बुनेंगे, ये तीन फंदे बुनाए, पीछे धागा किया और इस फंदे को सीधी साइड से भी स्लिप करेंगे। फिर धागा हमने अपनी तरफ कर लिया, एक दो तीन, फिर फंदे को पीछे किया, इसको स्लिप किया, बिगर बुना उतार लिया और तीन फंदे हम बना लेंगे। फिर फंदे को पीछे किया धागे को और तीन फंदे बना लिए। तीन फंदे बनाने के बाद पीछे धागा कर लेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे के तीन फंदे फिर से बनाएंगे। सीधी सिलाई हमने हर बार ऐसे ही बनानी है, ये देखिए ऐसे, जो जैसा फंदा है उसी से बनाना है और स्लिप किया हुआ फंदा हम स्लिप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई भी बना ली, आगे उल्टी सिलाई पे देखिए, आगे उल्टी सिलाई पे यहाँ पे हल्का सा हमारा चेंज होगा। जो हमने ये स्लिप किया है फंदा, इस बार हम इसको नहीं करेंगे, इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, इससे आगे वाला फंदा स्लिप। देखिए कैसे, अब यहाँ पे दूसरी सिलाई को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो, इस बार हम दो फंदे ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्लिप किया है फंदा उससे पहले वाला फंदा हमने स्लिप करना है, बिगर बुना उतारना है। तो देखिए ये वाला फंदा हमने उतार लिया, फिर आगे हम एक दो और ये तीन, तीन फंदे फिर से बनाए। जो मैंने, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने पहली सिलाई में बिगर बुना उतारा था उससे पहले वाला फंदा हमने दूसरी सिलाई में उतारना है। ये देखिए ऐसे, अब तीन फंदे बनाने हैं। अब फिर देखिए ध्यान से आप, इससे पहले वाला फंदा इसको स्लिप कर लिया, बिगर बुना उतार लिया और आगे के एक दो तीन जो स्लिप किया है वो हम बना रहे हैं। फिर हम ये देखिए उतार लिया, इसको हम बुनेंगे जो हमने पिछली सिलाई में स्लिप किया था। इस तरह से हमने डिजाइन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना है। अब फिर लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो इस तरीके से लहर वाला डिजाइन आपका ये देखिए ऐसे आएगा। अब ये देखिए सीधी सिलाई, तो जो जैसा है इनको बनाएंगे और ये स्लिप किया फंदा उसको उतारेंगे। ये देखिए, फिर पीछे धागा किया, इसको उतार लिए सिलाई के ऊपर, बिगर बुने ही, फिर पीछे धागा किया, इसको उतारे। दूसरी बार आपको दिखा रही हूँ, सीधी सिलाई हमने हर बार ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, तो बहुत सिंपल सा और इजी सा, आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पे वूल में बता रहे हैं, आपको बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब फिर से उल्टी सिलाई पे, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब इस बार हम एक ही फंदे को बनाएंगे और इसको स्लिप करेंगे। बस हल्का सा यहीं पे आपने ध्यान रखना है कि कौन सा फंदा हमारा, जो हमने फंदा उतारा है बिगर बुना, उसके पास वाला फंदा कौन सा है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखिए इस बार यहाँ पे एक फंदा बना है और इसको उतारेंगे और आगे के एक दो और ये तीन, ये देखिए ये वाला फंदा उतरा हुआ है, उससे पहले वाला फंदा हम उतार लेंगे और इसको हम, जो हमने स्लिप किया था ये उतारा था बिगर बुना, इसको बना लेंगे। एक दो तीन, और लास्ट के हम दो फंदे छोड़ेंगे। बहुत सिंपल सा और इजी सा डिजाइन है, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है डोरमैट। ये देखिए, तो यहाँ पे एक फंदा बना लिया, लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिए, सिलाई को पलट जाएंगे। तो सीधी सिलाई मैंने आपको बताई है, ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा आ रहा है। सीधी सिलाई में इस फंदे को, बिगर बुने को उतारेंगे और बाकी के फंदे हम बना लेंगे, जो बीच में तीन तीन फंदा है वो बनाएंगे। तो आइए सीधी सिलाई को बनाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई बना ली, उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए हैं। अब ये देखिए, अब इस वाले फंदे को हम
ऐसे उतारेंगे, क्योंकि इस वाला आगे वाला फंदा हमारा उतरा हुआ है तो इनको हम बनाएंगे। तो ये मैंने फंदे को यहाँ पे उतार लिया है ऐसे ही, और आगे के फंदे हम इसको ऐसे करेंगे और आगे वाली सिलाई हम इससे 1 2 3 हर बार धागे को चेंज करना है। ये देखिए, ये उतार लिया जो हमने, सॉरी, ये देखिए 1 2 3 जो उतारा था उससे पहले इसको हम स्लिप कर लेंगे। और जो उतरा हुआ फंदा है ये देखिए, इनको हम तीन फंदों को एक साथ बना दे रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 इसको स्लिप किया, 1 2 3 और इसको उतार लिया। और दो फंदे लास्ट के ये फिर से छोड़ दिए यहाँ पे, एक दूसरा फंदा आया है, एक दूसरा। इसको हम उतार लिए और यहाँ पे ये देखिए सीधी सिलाई में तो जो हमने बिगर बुना उतारा है उसको उतारेंगे और बाकी के ये बीच वाले फंदे तीन बनाते जाएंगे। देखिए ये बिगर बुना उतार लिया, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे, तो बहुत ही प्यारा सा देखिए आपका डिजाइन बनता चला आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे अब तीन फंदा हम स्काई ब्लू से बनाएंगे। हर बार हम धागे को तो चेंज कर रहे हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3। तो देखिए इससे पहले हमारा ये वाला फंदा आ रहा है, इसको उतारेंगे। बस शुरू में ही आपने ध्यान देना है कि कौन सा फंदा हमारा उतरा हुआ है, उससे पहले वाला फंदा हमने दूसरी सिलाई में उसको उतारना है, बाकी के फंदों को तीन तीनों को हर बार बनाना है। तो देखिए यहाँ पे तीन फंदे फिर से आ गए हैं, तो आपका डिजाइन एकदम बहुत ही प्यारा सा बनेगा। ये देखिए लास्ट के ये दो फंदे फिर से छोड़े हैं, ये दो यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाएंगे, स्लिप वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हर बार हम दो दो फंदा छोड़ेंगे अपना। अब इस बार हमारा ये देखिए दो ही फंदा बनेगा, 1 2 इसको उतारेंगे, 1 2 3 फिर दो फंदे उतारेंगे, सॉरी एक फंदा, तीन फंदे बनाए और एक स्लिप किया। लास्ट के मैंने फिर से दो फंदे छोड़े हैं और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और सीधी सिलाई में इन तीन 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 फंदों को बनाएंगे और इसको स्लिप करेंगे। तो फिर से मैं आ गई हूँ उल्टी सिलाई पे। अब ये देखिए यहाँ पे एक फंदा फिर से हम बनाएंगे, क्योंकि दो फंदे बनाए थे पिछली बार। अब ये देखिए एक फंदा बना लिया, एक उतार लिया। देखिए ये उतरे वाले फंदे से ही पहले हमने इस फंदे को उतारना है। अब तीन फंदा फिर से बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे, फिर 1 2 3 और इसको हम उतारेंगे और आगे का फंदा एक बनाएंगे। दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं, सिलाई को पलटने के। देखिए एकदम प्यारा सा डिजाइन हमारा बन रहा है। सीधी सिलाई वैसे ही बनानी है जैसे हर बार बताए हैं, ये तीन फंदे बनाने हैं, पीछे धागा करेंगे, इसको उतारेंगे। आगे फिर से उल्टी सिलाई पे अब इसको उतारेंगे, ये वाला फंदा उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे उतरा हुआ है, और बाकी के 1 2 3 इसको उतारेंगे, 1 2 3
और इसको हम स्लिप करेंगे। लास्ट का भी स्लिप आ गया है, उतार लिया है बिगर बुना, ये देखिए सीधी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम एक दो और ये तीन, तीन फंदा फिर से आ गया, इसको उतारेंगे। एक दो, दो फंदे यहाँ पे आए हैं, फिर से मैंने लास्ट के दो फंदे छोड़ दिए हैं। हर बार हमने दो दो फंदा ही छोड़ना है। ये देखिए ये देखिए लहर वाला डिजाइन एकदम बहुत ही प्यारा सा बन रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो, इसको उतारेंगे, एक दो, सॉरी एक ही बनाएंगे, दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं। कोई भी फंदा किसी कलर से भी आ रहा है, पर आपने हर बार दो दो फंदे ही छोड़ने हैं। ये देखिए देखिए मैंने यहाँ पे ये चार फंदे नहीं छोड़े हैं, बाकी के ये सभी फंदे मैंने दो दो करके छोड़ लिए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं जो भी जिस कलर से आ रहा है हमने दो दो फंदे ही हर बार छोड़े हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोड़े हुए फंदे हैं ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्ती ये लास्ट में आ रही है, तो चार फंदे हमने नहीं छोड़े और ये देखिए पूरी सिलाई हमारी इसी कलर से बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जो सभी फंदे, ये चार फंदे भी बना लिए और बाकी के जो छोड़े हैं फंदे सभी को हम इसी सिलाई पूरी बना लेंगे इसी कलर से। ये देखिए ऐसे सभी फंदों को हम बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं और सीधी सिलाई को भी बना लेते हैं। तो देखिए ये वाली भी कली मेरी बन के कम्प्लीट हो चुकी है और देखिए कितना अच्छा डिजाइन हमारा बनता चला आया है। अब ये देखिए यहाँ पे हम सभी कलियों को वैसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए फिर से हमने क्या करना है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलाई जामनी कलर से बनाने के बाद आपको डिजाइन बताया था, वैसे ही मैंने यहाँ से भी फंदे डाल के डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था। आपने ऐसे ही करना है, पर जब हमारी ये कली बन जाएगी तो हमने अब येलो कलर को ऐड करना है। ये देखिए येलो कलर से भी यहाँ पे सिलाई बनी हुई है, ये देखिए ये वाली। उसके बाद हम फिर से दूसरी पत्ती के लिए अपना येलो कलर लगाएंगे और सारा डोरमेट वैसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने आपको ये कली बना करके बताई है। तो आइए मैं पहले अपना यहाँ पे येलो कलर को ऐड कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, और इन फंदों को, इन धागों को इस तरह से आगे की तरफ कर लेती हूँ। वैसे ही आपने करने हैं और धागे आपने कट कर लेने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तो आप धागा कट करके नॉट लगा लें, चाहे आप फंद सिलाई के अंदर अंदर ऐसे ही दबाते चले जाएं, आपका कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे इन धागों को हम इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि आगे वाली पत्ती फिर इन्हीं से हमने बनानी है, चाहे तो आप साथ साथ ले जा सकते हैं। ये देखिए तो आइए बना लेते हैं। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ दबा दिए, बिल्कुल भी निकले नहीं हैं धागे। तो देखिए फ्रेंड्स आपने वैसे ही कंप्लीट करना है। अब ये देखिए यहाँ से अब हमने येलो कलर लगा के पूरी सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हम येलो से ही इसको अपना इसमें दूसरा ग्रीन कलर ऐड करेंगे, ये वाला कलर, और तीन फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, बिगर बुना उतारेंगे। जैसे मैंने आपको ये वाली पत्ती बताई है वैसे ही बाकी की कलियाँ भी आपने वैसे ही बनानी है। और यहाँ पे ये 12 कली का बनके कंप्लीट होगा।
इसमें हमारी छह कली येलो से बनेंगी और छह कली ही इस कलर से बनेंगी। तो यहाँ पे चार कलर से बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाइए और अपने टेबल मैट को सजाइए, बहुत ही प्यारा सा लगता है टेबल मैट पे भी ये। तो आइए मैं इसको वैसे ही बनाते हुए पूरा अपना कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पांच पांच कलियाँ बना ली हैं, अभी दो कली बाकी हैं, एक येलो बनेगी और एक ये ब्लू बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारा सा इसमें डिजाइन बना के कम्प्लीट कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। जब दो कली और बना लेंगे ऐसे ही, तो उसके बाद यहाँ पे लाके सिलाई कर देंगे और इस हॉल को भी साथ में बंद कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा आपका ये टेबल मैट बनके कंप्लीट होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। और बनाने में तो बिल्कुल ही इजी है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बीच में आप कोई भी कलर का पॉम्पम्स भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है, दो कली ये 12 कलियों का बन के हमारा कम्प्लीट होगा। तो देखिए बिल्कुल एकदम लहर वाला ये डिजाइन हमारा बहुत ही प्यारा सा बनके कंप्लीट हुआ है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। तो आइए बाकी की दो कली भी बना के कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। तो चलिए बना लेती हूँ बाकी की कली।